हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। आज एक नए हैंड टूल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा हैंड टूल है बच्चों, हैमर। इसको क्या बोला जाता है? हैमर यहाँ पर बोला जाता है बच्चों। हैमर जो है कई टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले अगर हैमर की धातु की बात करें बच्चों, हैमर जो है हमारा कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील से यहाँ पर बनाया जाता है। ये जो देखिए आप देख रहे हैं कि कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील से यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों टाइप के बारे में। तो हैमर जो है हमारे बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, सॉफ्ट पिन हैमर होता है हमारा, ठीक है। सॉफ्ट हैमर जिसको बोला जाता है, रॉ हाइड हैमर होता है, और हमारा लकड़ी के हैमर होते हैं जिसको मैलेट यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। शीट मेटल वर्क में जिनका यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर पार्ट्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये इसकी पेन है। ये कौन सी पेन है बच्चों? हैंडल के देखेंगे, हैंडल के क्या है, ये क्रॉस में है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम आपको पहचान सकते हैं, ये क्रॉस पिन हैमर है हमारा। क्या है? क्रॉस पिन हैमर है हमारा ये, ठीक है। ये क्या होता है? ये यहाँ पर इसका स्ट्राइकिंग फेस होता है। क्या है? स्ट्राइकिंग फेस होता है यहाँ पर। ये इसका आई होल होता है। क्या होता है? यहाँ पर आई होल होता है जिसमें क्या होता है, आपके हैंडल को फिट किया जाता है, यानी कि। और ये जो आई होल है बच्चों, ये अंडाकार शेप में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप में यहाँ पर रखा जाता है। ये इसका चीक होता है। चीक पर ही क्या होता है बच्चों, इसका हैमर का स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। अगर हम स्पेसिफाई करते हैं हैमर को, हैमर जो है बच्चों, इसके वजन के अनुसार इसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं।